हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अंदर गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले स्टम्बल गाइस। तो सुबह एक अपडेट आया था, तो उसके बाद मैं अभी गेम खोल रहा हूँ। देखते हैं अभी गेम में क्या क्या आया है, और अभी ये लॉगिन हो रहा है, देखते क्या है गेम में। और ये हमारा गेम खुल चुका है, और ये नई स्किन आई है शायद गेम में, गोबल गोबल। और ये लेजेंडरी स्किन है जो सिर्फ 5 जेम्स में मिल रही है, तो हम इसको क्लेम कर लेते हैं। तो देखो गाइस, ऐसी स्किन ग्लोबल ग्लोबल इसका नाम, इसको इक्विप कर लेते हैं और चलते सीधा गेम में इस स्किन के साथ। और यहाँ पर फर्स्ट मैच का पहला राउंड आ चुका है, कैनन क्लाइंब। और देखते हैं हम इस स्किन के साथ जीत पाते हैं या नहीं। ये मेरा दिन का पहला मैच है, तो लगता तो नहीं है वैसे मैं जीत पाऊँगा। और ज़्यादातर बंदों के पास यही ग्लोबल ग्लोबल वाली स्किन है, क्योंकि ये सिर्फ 5 जेम्स मिल रही थी, इसलिए सब ने क्लेम कर लिया है। इसका नाम तो गोबल गोबल है, लेकिन मैं तो इसको मुर्गी बोलाऊंगा, क्योंकि ये मुर्गी जैसे ही दिखता है। तो हम चलते हैं यहाँ से सीधा। अभी यहाँ कैन पर सैट गया, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और ये पहला राउंड में तो आसानी से क्वालिफाई कर लिया है। यहाँ पर सेकंड राउंड में आ चुका है सुपर स्लाइड, तो हम यहाँ पर राइट साइड से जाएंगे, यहाँ ऊपर से जंप करके निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ 8 बंदों की क्वालिफाई करने की जगह है। और यहाँ पर सभी मुर्गे ही आ रहे हैं, सबके पास एक ही जैसी स्किन है। मुर्गी यहाँ पर तैर रही है, देखो गाइस मुर्गी तैरते भी है। तो यहाँ से जंप करके मैं चलता हूँ। वैसे तो 2 बंदे ही मेरे आगे हैं, आशा से इसे ही क्वालिफाई कर लूँगा मैं इस बार। और यहाँ पर दो दो बूस्ट मिल चुका है मुझे। ये बंदा ऊपर से जा रहा है, लेकिन मैं नीचे से जाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा प्रो प्लेयर नहीं बनना पड़ता है, बाद में हारने का भी आता है। तो यहाँ से जंप करके मैं चलता हूँ, फैन लेफ्ट साइड से चलता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफाई मैं ही हुआ हूँ गाइस। और यहाँ पर फाइनल राउंड में आ चुका है लेजर ट्रेजर। और यहाँ देखो गाइस, 2 के पास पांडा है और 6 बंदों के पास ये मुर्गी वाले स्किन है। तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। मैं तो जीतने की पूरी ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी मेरा हाथ नहीं बैठा ना, क्योंकि दिन का मेरा पहला मैच है। और इन दोनों के पास पांडा है, अगर इन दोनों के पास भी ये वाली स्किन होती तो देखने में और अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे जम करके चलता हूँ। 2 बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं, शायद एक पांडव है और एक मुर्गा। तो जितने जल्दी बंदे एलिमिनेट हो जाए, उतने जल्दी मैं जीत सकूंगा। बस अभी मुझे अच्छे से खेलना है, लेजर से टकराना नहीं है। यहाँ पर अभी तक 2 ही बंदे एलिमिनेट हुए हैं, और मैं यहाँ पर आगे जंप करके चलता हूँ। जल्दी एलिमिनेट हो जाओ, वरना मैं ही एलिमिनेट हो जाऊँगा, ऐसा लग रहा है मेरे को अभी। और ये एलिनेट हो गया, मेरे को लगा ही था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये दिन का पहला मैच था इसलिए एलिनेट हो गया हूँ। यहाँ पर सेकंड मैच का पहला राउंड आ चुका है जंगल रोल, तो हाँ हम यहाँ पर रेड से चलेंगे। और यहाँ पर लेजेंडरी स्किन वाले बंदे इस बार ज़्यादा है लग रहा है, क्योंकि मेरे आगे भी एक लेजेंडरी स्किन वाला चल रहा है और मेरे पीछे भी। तो हम यहाँ कीचड़ से तो पार कर चुके हैं, अब बस ये इस वाले क्या बोलते इसको पता नहीं, रोल से भी पार हो चुके हम। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, क्या मैं चढ़ पाऊँगा? हाँ चढ़ तो गया हूँ, ऐसे मैं आगे जंप करके चलता हूँ। और यहाँ पर गिर चुका हूँ, मेरा फायदा ही नहीं हुआ जल्दी आने का। और यहाँ पर मैं फिर से गिर चुका हूँ, वाह भाई मैं 2-2 बार गिर गया, मेरा पहले जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, वरना मैं यहाँ एलिमिनेट हो जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझसे आगे निकल चुके हैं शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। 4-5 बंदे क्वालिफाई कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे लिए स्पेशल दरवाज़ा खुल रहा है 20 से, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा? नहीं, यहाँ पर पहला राउंड क्वालिफाई कर दिया है, जो यहाँ पर साइड में खड़े शायद इसका नेट चले गया था, इसलिए मैं जीत गया हूँ। और यहाँ पर सेकंड राउंड में आ चुका है टाइल फॉल। मेरे को तो लगता है यहाँ 20 से ही होगा रास्ता, 20 से नहीं था, लेकिन यहाँ पर तीसरा वाला था 20 से, यहाँ पर आगे है, लेकिन मैं गिर गया। मेरा थोड़ा तो किस्मत अच्छा था, लेकिन मैं बच गया जो। तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, यहाँ से आगे रास्ते, तो यहाँ से जम करके चलते हैं। मेरे आगे 2 बंदे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड राउंड में आसानी से क्वालीफाई कर चुका हूँ। और यहाँ पर फाइनल राउंड में आ चुका है सुपर स्लाइड। इस बार मुझे किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहला मैच बेकार गया था इस मुर्गे के साथ, मुर्गा इतना भी अच्छा नहीं है। तो हम ऐसे जम करके चलते हैं। और ये बंदा लाइक का इमोट दिखा रहे हैं, तो इस बंदे के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मैं ऐसे जम करके चलता हूँ, अभी तक मेरे आगे एक बंदे ही है, जिससे जल्दी पहुँचना होगा। ये बंदे शॉर्टकट मार के कहाँ कहाँ से आ जाते हैं,
यहाँ बूस्ट मिल चुका है मेरे को, तो मैं यहाँ से जल्दी चलता हूँ, मुझे अभी कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसे जंप करके मैं यहाँ आगे आ गया हूँ, यहाँ टकराना नहीं है, टकरा गया, बस मुझे अभी किसी बता ऐसे टकराता रहा तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, पंखे से तो निकल गया हूँ। और मैं यहाँ पर सेकेंड मैच क्वालिफाई कर चुका हूँ और हमारा दिन का पहला राउंड मिल चुका है हमें इस गोबल गोबल स्किन के साथ। और यहाँ पर गाइस तीसरे मैच का पहला राउंड आ चुका है पेंट स्प्लैश, और यहाँ पर ज़्यादातर बंदों के पास यही मुर्गी वाली स्किन है, और ये इतनी भीड़ में चल रहे हैं, मैं यहाँ रेड साइड से चलता हूँ, पढ़ते हैं ये तो मुझे धक्का मार के ही गिरा देंगे। यहाँ रेड साइड से चलता हूँ इस बार भी मैं, ऐसे साइड से निकल सकता हूँ मैं यहाँ पर, और सारे नुबड़े मेरे पीछे आ रहे हैं, और सबके पास इस बार सेम स्किन है क्योंकि सिर्फ 5 जेम्स में निकल रही थी। आप लोग भी ये स्किन 5 जेम्स से निकाल लो गाइस, अगर आपके पास 5 जेप्स नहीं है तो वहाँ पर ऐड देख के आप वहाँ से मिल जाएगा आपको। और मैं यहाँ पर पहला राउंड क्वालिफाई कर चुका हूँ, यहाँ पर सेकंड राउंड आ चुका है स्पिन गो राउंड, और यहाँ पर देखो गाइस सबके पास एक जिससे स्किन है इन दो बंदों को छोड़कर, बाकी सभी के पास ही मुर्गे वाली स्किन है, और इन बड़ा ग्रीन कपड़े वाला किक चला रहे हैं, और मैं यहाँ पर टकरा के बच गया हूँ। तो मैं ऐसे अभी चलता हूँ आगे, इस बार लेफ्ट साइड से चलता हूँ मैं, बस मैं इस बार क्वालिफाई कर जाऊँ क्योंकि सब बंदे एक साथ ही चल रहे हैं। मैं राइट साइड से चलता हूँ, और यहाँ पर 4 बंदे अंदर जा चुके हैं, और मैं यहाँ पर 6वां बंदा क्वालिफाई करने वाला। और यहाँ पर गाइस फाइनल राउंड आ चुका है हनी ड्रॉप, और यहाँ पर सब बंदों के पास मुर्गी वाली स्किन है एक ये लाल वाले बंदे को छोड़कर, तो मैं यहाँ पर सारे रास्ते ख़त्म कर देता हूँ। ये लाल वाला बंदा मेरे आगे का रास्ता ख़त्म कर रहा है, मैं यहाँ से राइट साइड चलता हूँ, और ये बंदा भी मेरे पीछे आ गया है, लेकिन मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और ये बंदा नहीं आ पाया, तो मैं आगे टाइल्स भी सारे ख़त्म कर देता हूँ। 4-5 बंदे मेरे साथ ही इसी फ्लोर पे, और ये बंदा आगे से जा रहा है तो मैं आगे चले जाता हूँ। क्या मैं यहाँ पर पहुँच पाऊँगा? पड़े तो नहीं पहुँच पाऊँगा, तो नीचे ही चलता हूँ मैं, और यहाँ के सारे टाइल्स भी गायब कर देता हूँ, लेकिन मैं नीचे गिर गया। नीचे के मैं सारे टाइल्स ख़त्म कर देता हूँ, जो ऊपर से आएंगे बंदे वो नीचे गिर जाएंगे। यहाँ और एक बंदा मेरा साथ दे रहे हैं टाइल्स ख़त्म करने में, तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड चलता हूँ, यहाँ के सारे टाइल्स ख़त्म कर देता हूँ ताकि ऊपर वाले बंदे सीधा नीचे गिरे। अब मैं यहाँ का टाइल्स यूज़ कर सकता हूँ। 4 बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं, वो आगे से बंदे आ रहे हैं, तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर 3 ही टाइल्स है, क्या मैं आगे कूद पाऊँगा? 5-6 बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं, और मैं जंप किया लेकिन मैं एलिमिनेट हो गया। कोई बात नहीं गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसी गेम प्ले वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, वो नोटिफिकेशन का है उसको भी ऑल पे सेट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।